जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र पुलिस होम डिपार्टमेंट कांस्टेबल भर्ती 2019 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आप तीन ऑप्शन देख पा रहे हो, एक ऑप्शन है आपका रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है कॉमन इंस्ट्रक्शन टू दी कैंडिडेट और नीचे है वैकेंसी मैट्रिक्स, यानी कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने पद है और किस कैटेगरी के लिए है, तो आप वैकेंसी मैट्रिक्स यूनिट वाइज पर क्लिक करके यहां से पूरी वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। पर अभी मुझे आपको बताना है कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और न्यू विंडो आने के बाद आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे। यहां पर अगर आपने इस वेबसाइट के अंदर पहले से अकाउंट बनाया है तो आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो अभी आपको पहले इसके अंदर रजिस्टर होना होगा। तो चलिए यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको अपनी मनपसंद का यूजर नेम यहां पर डाल देना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर डालनी है और यहां पर आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो कि वर्किंग हो। तो चलिए मैं यहां पर ये वर्किंग ईमेल आईडी यहां पर डाल देता हूं। इसके बाद आपको अपनी मनपसंद का एक पासवर्ड यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कन्फर्म कर देना है। फिर आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, पर उसके पहले जो यहां पर जानकारी आपने भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। आपको यहां पर नेवर करके यहां पर आप देखोगे योर रजिस्ट्रेशन सेव्ड, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर कंफर्मेशन, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सेव हो चुका है और अब आपको अपनी ईमेल चेक करनी होगी जो ईमेल आपने यहां पर डाली है। अब आपको पहले तो साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर अभी आपको क्या करना है, जहां पर भी आपकी जो ईमेल आईडी जो आपने यहां पर भरी है वो ओपन है उसको आपको ओपन कर लेना है, अगर वो मोबाइल के अंदर ओपन है तो। उसके बाद आप देखोगे कि आपको महापरीक्षा रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन की तरफ से एक ईमेल आई होगी और इस ईमेल में आपको आपका यूजर नेम देखने को मिलेगा और नीचे आप देखोगे योर महापरीक्षा अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, प्लीज क्लिक ऑन दी यू आर एल बिलो टू एक्टिवेट इट। तो नीचे एक यू आर एल होगा, आपको इस यू आर एल के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल के अंदर ई मेल को ओपन करके उसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने यही सेम तरह की वेबसाइट ओपन होगी, अगर आप मोबाइल में ही इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो या फिर अगर आप पी सी के अंदर फिलअप कर रहे हो और आपने अपनी ई मेल आई डी मोबाइल के अंदर ओपन की हुई है तो आप यहाँ पर इस तरह का देख पाओगे। अब जैसे ही वो लिंक ओपन हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा एक्टिवेशन कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी कि जो आपका एक्टिवेशन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहां पर एक बार ये वेबसाइट में रिफ्रेश कर लेता हूं क्योंकि मैंने जो एक्टिवेशन लिंक है वो एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं यहां पर साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूं और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पहले तो यूजर नेम डाल देना है जो कि आपने सिलेक्ट किया था, फिर आपको यहां पर वो पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया था। तो चलिए ये पासवर्ड मैं यहां पर डाल देता हूं। इसके बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे डिक्लेरेशन और इस तरफ यहां पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देख पाओगे इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। आप चाहे तो इन इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हो, पर आपको नीचे आना है और यहां पर प्लीज सिलेक्ट दी चेक बॉक्स इफ यू एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस क्रिएट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आपको भर देना है और ये फर्स्ट नेम आपको अपनी टेंथ की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल देना, नहीं तो खाली छोड़ देना है। फिर आपको अपना लास्ट नेम यहाँ
यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको अपनी जो मदर है उनका नाम यहाँ पर डाल देना है, ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यानी कि फादर नेम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि आप इंडियन हो या फिर नॉन इंडियन हो, तो यहाँ पर मैं इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आती है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। आपको ईयर पे जाना है, जो भी आपका बर्थ ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर करके बताने वाला हूँ। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ से डे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, और नीचे आप ये भी देख सकते हो कि आज की डेट तक या फिर 30/9/2019 तक आपकी उम्र कितने महीने कितने दिन और कितने साल की होती है। इसके नीचे है जेंडर, आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। और अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर डालना है जिसको अभी आप रिसीव कर सको या फिर उसके ऊपर कोई मैसेज आए तो आप उसको रिसीव कर सको। इसके नीचे है मैरिटल स्टेटस, आपकी आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो या फिर विडो हो, तो यहाँ पर मैं सिंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर आपके कितने बच्चे हैं उसकी जानकारी देनी होगी, अगर आप सिंगल हो तो आपको यहाँ पर 0 फिलअप कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे वेदर लियेबल टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स 2005। तो क्या आप डिस्क्वालीफाई हुए हो, अगर हुए तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद आप नीचे आओगे देखोगे नेम चेंज स्टेटस इन केस ऑफ मैरिज एनी अदर रीजन, क्या जो नेम आपने यहाँ पर फिलअप किया है वो कभी चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको उसको ऐसे ही रहने देना है। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, पर उसके पहले आप जान लीजिए कि जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीजी के अंदर होना चाहिए, साथ ही जो पिक्सल है वो 200x200 होना चाहिए, और साइज आपके फोटो का 3 से 50 KB के बीच ही होना चाहिए, तभी आपका फोटो अपलोड हो पाएगा, नहीं तो अपलोड नहीं कर पाओगे। और नीचे जो सिग्नेचर का फॉर्मेट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आपको अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर अवेलेबल है आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है, पर सेव के ऊपर क्लिक करने से पहले जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, नेम हो या फिर अन्य जानकारी हो, वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपको लगे कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको नीचे आना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एड योर एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एड्रेस टाइप सिलेक्ट कर लेना है, बोथ परमानेंट करंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस या फिर करंट एड्रेस। तो यहाँ पर मैं बोथ परमानेंट एंड करंट एड्रेस यानी कि दोनों एड्रेस सेम ही है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एड्रेस लाइन के अंदर आपको अपना एड्रेस डालना है, अगर आपका एड्रेस थोड़ा लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री इंडिया ही रहने देना है, और नीचे आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो आपका तालुका यानी कि तहसील पड़ती है उसका नाम आपको दे देना है, नीचे आपको विलेज सिटी पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है, और फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है, और ये डालने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपकी एड्रेस की जानकारी भी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, प्लस एडिशनल यूजर डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी, जो कि इस फॉर्म का सबसे मेन प्रोसेस है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले है डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको सिलेक्ट कर लेना कि आप महाराष्ट्र के निवासी हो, यानी कि अगर आपके पास महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद आपको आपसे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी सोशल, क्या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है यस आई बिलोंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी या फिर नो आई डोंट बिलोंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ।
इसके बाद आता है कैटेगरी, कैटेगरी थ्रू विच यू वांट टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट, यानी कि वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं ओबीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर एससी एसटी सिलेक्ट करोगे तो आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर देना होगा। इसके अलावा पैलेस ऑफिसो यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है कि किसके द्वारा ये इशू किया गया है। अब नीचे आती है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब आता है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस, नहीं तो आपको नो रहने देना है। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो जानकारी सेम रहेगी, क्योंकि जो मैंने जानकारी भरी है उसके अकॉर्डिंग इसको यस करना बनता है। नीचे आप आओगे तो देखोगे आधार कार्ड नंबर, आधार इनरोलमेंट नंबर 28 डिजिट, फॉर्मेट 14 डिजिट। इसमें बेसिकली आपको यहाँ पर या तो अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा या फिर आपको आधार इनरोलमेंट नंबर देना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, तो आपको भी यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडमली नंबर ऐसे ही डाल रहा हूँ, मैं बाद में इसको सही कर लूँगा। तो नीचे आप देखोगे आर यू ऑर्फन एज पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, क्या आप यतीम यानी कि अनाथ हो, अगर हो तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको नो रहने देना है। इसके बाद सिलेक्ट योर हाइएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। मैं यहाँ पर 12th सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12वीं है, तो मैं HSC यानी कि हायर सेकेंडरी क्लास सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके नीचे ऑप्शन है आर यू ए वार्ड ऑफ सुपर नोटी रिटायर्ड पुलिस पर्सनल, क्या आप रिटायर्ड पुलिस पर्सनल हो, अगर हो तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहां पर भी आपको कुछ और जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आर यू ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST रेसिडिंग इन एरियाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज नक्सल अफेक्टेड एरियाज, तो यहां पर नो आपको कर देना है। इसके बाद आर यू ए चाइल्ड ऑफ पुलिस पर्सनल हु इज किल्ड और सीरियसली इंजर्ड इन नक्सल अटैक्स, क्या आप उनके बच्चे हो जो कि नक्सल अटैक में मारे गए या फिर सीरियसली इंजर्ड हुए हो, तो आपको यहां पर यस और नो के अंदर आंसर देना है, तो यहां पर मैं नो कर देता हूं। इसके बाद आर यू चाइल्ड ऑफ पुलिस पाटिल हु इज किल्ड और सीरियसली इंजर्ड इन नक्सल अटैक्स, तो यहां पर भी मैं नो कर देता हूं। बेसिकली ये भी आपसे यही पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको आपसे पूछा जा रहा है आर यू ए वार्ड चाइल्ड ऑफ पुलिसमैन हु इज किल्ड, तो ये भी आपसे सेम तरीका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां पर भी मैं नो कर देता हूं। पर आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, अगर आप इनमें से किसी एक के लिए एलिजिबल हो तो आपको यस कर दे रहे हैं। अब आता है आर यू ए होमगार्ड, क्या आप एक होमगार्ड हो, अगर हो तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद डू यू हैव लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV लाइसेंस, अगर आपके पास है तो यस कर देना है, नहीं तो आपको नो रहने देना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन, क्या आप एक डिपेंडेंट एक्स सर्विस मैन हो, अगर हो तो यस, नहीं तो आपको नो रहने देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देखोगे प्लीज सिलेक्ट द कार्ड्रेज यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको कार्ड्रेज सिलेक्ट करने हैं जिसके लिए आप एलिजिबिलिटी कंसिडर करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल माने जा रहे हो। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहां पर देखोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेलवे पुलिस, जेल डिपार्टमेंट, यानी कि किसके लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी कंसिडर करना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेलवे पुलिस या फिर जेल डिपार्टमेंट। तो यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस और फिर रेलवे पुलिस और इसके बाद जेल डिपार्टमेंट इस क्रम में सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको भी इसके अनुसार सिलेक्ट कर लेना है अगर आप करना चाहते हो तो। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस, प्लीज सिलेक्ट द यूनिट यूनिट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कॉन्स्टेबल पोस्ट, तो यहां पर आपको इनमें से जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना है। फिर प्लीज सिलेक्ट द यूनिट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट पुलिस बैट्समैन पोस्ट, तो यहां पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको नीचे आना है और रेलवे पुलिस में आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जेल डिपार्टमेंट में आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहां पर नीचे आपसे कुछ और ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एज पर गवर्नमेंट रेजुलेशन, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी हो, अगर हो तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आप यहां पर टिक करोगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस कैटेगरी के आप खिलाड़ी थे। और नीचे जो आपको जानकारी है, हैव यू सेंट ऑल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट टू डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट और फॉर वेरीफिकेशन, क्या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इनको भेजे हैं वेरीफिकेशन के लिए, तो आप मैं पहले तो बात इसको अनटिक कर देता हूँ क्योंकि मैं इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता।
अब आता है आपका, आर यू ए सन ऑफ सन डॉटर ऑफ ए फॉर्मर सॉरी फार्मर हु हैज कमिटेड सुसाइड, यानी कि क्या आप उस किसान के बेटे हो जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो अगर हो तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना, नहीं तो आपको अनटिक ही रहने देना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको इसको भी अनटिक रहने देना है। आर यू प्रोजेक्टेड अफेक्टेड और डिपेंडेंट और ऑफ प्रोजेक्टेड अफेक्टेड, क्या आप हो तो इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको अनटिक ही रहने देना है। अर्थक्वेक अफेक्टेड, क्या आप जो भूकंप बात है उससे अफेक्टेड पर्सन हो, अगर हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। आर यू अंशकालीन पार्ट टाइम एम्प्लॉय, अगर आप हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको इसको भी ऐसे ही रहने देना है। आर यू गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट लोकल बॉडीज एम्प्लॉय, अगर हो तो इसके ऊपर क्लिक करना है। डू यू हैव मराठी लैंग्वेज प्रोफेंसी, क्या आपके पास मराठी लैंग्वेज में प्रोफेंसी है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको रीड करनी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आपको इनके ऊपर टिक कर देना है। फिर आता है डू यू हैव एम एस सी आई टी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन, क्या आपके पास एम एस सी आई टी सर्टिफिकेशन है या उसके बराबर कोई सर्टिफिकेशन है, अगर है तो इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको इसको भी अनटिक रहने देना है। और फिर आपने जितनी भी जानकारी यहां पर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है कि कहीं पर मिस्टेकली आपसे गलती से नो या फिर यस तो नहीं हो गया, और अगर आपको लगे कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको नीचे आना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव पर क्लिक करने के बाद आप फिर से होम पेज पर आ जाओगे और अब आपकी यहां पर एडिशनल डिटेल की जानकारी भी भरी जा चुकी है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो कोई भी जानकारी, तो यहां पर आप एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। पर अब अभी हमें अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करनी होगी, तो आपको प्लस ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने पर आप देखोगे नोट वन फिलिंग द डिटेल ऑफ एसएससी एजुकेशन क्वालिफिकेशन टिल योर करंट हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी, तो यहां पर आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। पहले आपको अपनी टेंथ सेलेक्ट कर लेना है यानी कि एसएससी, उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ बोर्ड्स, किस बोर्ड से आपने अपनी जो टेंथ है वो कंप्लीट की है, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन पास्ड ऑन, यानी कि किस डेट में आपने अपना एग्जाम पास किया है, वो डेट मंथ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद यहाँ से मैं डे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपकी डेट कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज की जानकारी देनी होगी, मार्क्स ऑब्टेंड यानी कि कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे, चाहे आपके टेंथ में अंदर कितने भी सब्जेक्ट थे उसके अनुसार ही आपको ये जानकारी देनी होगी। तो मुझे 444 मार्क्स में ऐसे ही भर रहा हूँ रैंडमली। फिर मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कितने मार्क्स में से ये आए थे, 600 में से आए थे या फिर 500 में से आए थे, तो यहाँ पर मैं 600 डाल देता हूँ, तो आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप CGPA के अंदर अपने नंबर देना चाहते हो यहाँ पर CGPA लिख सकते हो, ग्रेड के अंदर देना चाहते हो तो यहाँ पर आप ग्रेड लिख सकते हो। तो चलिए मैंने जानकारी फिलअप कर दी, अब मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको फिर से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर फिर से क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ पर 12th की जानकारी भरनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर HSC या फिर उसके बराबर की सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेम तरीके से बोर्ड सिलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपने की है। फिर यहाँ पर आपको कोर्स डिटेल यानी कि किस के अंदर आपने अपनी जो 12th हो कंप्लीट की है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके सामने है इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपके पास 12वीं या फिर उसके बराबर है, तो अगर उसके बराबर कोई कोर्स है तो आप यहाँ पर उस कोर्स का नाम लिख सकते हो, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पास हो यानी कि कब आपने 12th पास की थी, तो आपको वो सेम तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जैसे कि अभी आपने 10th की जानकारी भरी है। फिर यहाँ से आपको मंथ और फिर यहाँ से डे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सेम तरीके से मार्क्स लिखने हैं, तो कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कितने में से आए थे, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगी, और अब आपको इसको भी सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे क्लिक हियर टू सी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जान पाओगे कि एग्जैक्टली क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर ये जानकारी चेक कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर आना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, पर उसके पहले जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो चलिए मैं यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर आता है प्लीज वेरीफाई एंड कंफर्म बिफोर कंटिन्यूइंग, वंस यू गो अहेड यू विल नॉट बी अलाउड टू एडिट योर फॉर्म, यानी कि अगर आपने एक बार आगे बढ़ गए और आपने यस के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपने जितनी जानकारी अभी तक यहां पर भरी है आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं यहां पर यस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको नीचे आना है और डिपार्टमेंट्स के नीचे जो दिया है होम डिपार्टमेंट पुलिस रिक्रूटमेंट 2019, इसके
ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको शो एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिया है विच पोस्ट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कॉन्स्टेबल पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप इनमें से किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे भी इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, और नीचे भी आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको एक बार फिर से यस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आएगा ऐड एग्जाम और एग्जाम सेंटर। अब आपको क्या करना है, ऐड एग्जाम सेंटर डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद की ये लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देता हूँ, इसके बाद जो सेकेंड प्रेफरेंस है वो लातूर, और थर्ड प्रेफरेंस मैं यहां पर पुणे को दे देता हूं या फिर नासिक को दे देता हूं। ये मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूं। तो अब मैं यहां पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहां पर आ जाएगा मेक पेमेंट। अब आपको क्या करना है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी जो आपका फॉर्म है वो एक तरीके से सबमिट हो चुका है। अब आपने जितनी भी जानकारी पीछे भरी थी उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको यहां पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है आप देख सकते हो। दो पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फीस लग रही है। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो एक की फीस लगेगी, पर अगर आप दो पोस्ट तीन पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो सभी के लिए अलग अलग फीस देनी होगी। तो यहां पर मैं इसके ऊपर राइट टिक कर देता हूं, और राइट टिक करने के बाद यहां पर मैं प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करोगे तो प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अभी देख लीजिए आप पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हो, ये देख लीजिए आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हो। अब आप यहां पर जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे वो कार्ड्स हो, नेट बैंकिंग हो, ईएमआई हो या फिर यूपीआई हो। तो जो ज्यादा लोग अपनी फीस जमा करते हैं वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। तो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना कि आपका डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है। अगर डेबिट कार्ड है तो यहां पर सिलेक्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है कि आपका VISA कार्ड है, मास्टर कार्ड है, SBI मास्टर है, अदर बैंक मास्टर या फिर रुपए। ये जानकारी आपको अपने कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहां पर सिलेक्ट करके अपना कार्ड नंबर डालना है, कार्ड होल्डर नेम, जो भी नेम आपका कार्ड के ऊपर मेंशन है वो डाल देना है, एक्सपायरी डेट डाल देनी है, अपना एक्सपायरी डेट जो है इसका ईयर डालना है, फिर यहाँ पर CVV, और उसके बाद आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो फीस है वो कट जाएगी, और जो आपका ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था उस पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, और वहाँ पर आप अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले पाओगे। इस प्रकार से आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा, और आपको अब इसमें कोई भी चेंजेस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि डिटेल आपकी फाइनल मानी जाएगी। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते, सिवाय दूसरा फॉर्म भरने के अलावा। बस आप दूसरा फॉर्म भर सकते हो नंबर और मोबाइल ईमेल चेंज करके, इसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी आपकी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2019 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद ये तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।